मैं सबनाज और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंकेट एंड को स्पॉन्सर्ड मॉडर्न फर्नीचर। आइए नाज़रीन सीधे रुख करते हैं खबरों की जानिब। बढ़ती हुई ठंड में जहां एक तरफ सियासी पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगी हैं, वहीं कुछ तंजीमें और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंबल तकसीम के जरिए लोगों के सुख दुख में खड़े हो रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम है पायल पीस फाउंडेशन और इसके चेयरमैन सैयद इम्तियाज का। लगातार बर्नपुर के मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान कंबल तकसीम करते हुए इन्हें देखा जा रहा है, पर कल रिवर साइड के करीब दोपहर के वक्त एक तकरीब में पहुंचे तो वहां हमारी मुलाकात एक परिवार से हुई। अंजना का कहना है कि सैयद इम्तियाज हमारे लिए एक भगवान की तरह है, उन्होंने हमारे शोहर के इलाज के लिए पूरा खर्च किया है। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा माजरा। ও ভগবান দাঁড়াইছিল, আমার আত্মীয় ছিল রে সাহ, দাদা সবকিছু করেছে দেখেছি। আপনার স্বামীর নাম কি? আমার স্বামীর নাম পুকুরলে। আপনার নাম? আপনার নাম নন্দনা। एक गांव में हम लोग पायल पीस फाउंडेशन की तरफ से ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आए थे। बहुत सारा गांव गए थे, ये धोरोपाड़ा में हम लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करने आए थे। और ये जो प्रफुल्लो है ये घास से गिर गया था, उसके बाद पायल पीस फाउंडेशन की तरफ से जो हो सका हम लोगों ने इनके हेल्प किया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ तृणमूल ने कमर कस ली है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली जा रही हैं। आसनसोल साउथ, नॉर्थ 2 और बाराबनी ब्लॉक की जानिब से जुलूस निकाला गया। काफी तादाद में टीएमसी कारकुनान मौजूद थे। पायल पीस फाउंडेशन ने 10 रुपए थाली के जरिए बनपुर के लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन एक साल बाद सेल आईएसपी के जरिए भेजी गई नोटिस के बाद इसे बंद कर देना पड़ा। फिर लॉकडाउन में जरूरतमंदों के दरमियान राशन तकसीम करते हुए देखा गया और अब कड़ाके की ठंड में लोगों तक पायल पीस फाउंडेशन कंबल पहुंचा रही है। लगातार तीसरे दिन आज बनपुर बस स्टैंड में सैयद इम्तियाज की कयादत में तकरीबन 500 लोगों के दरमियान कंबल तकसीम किए गए। इस मौके पे सुजीत सिंह, मनवर हुसैन, रियाज खान, सैयद एहतशाम और सैयद जावेद खास तौर से मौजूद थे। और जो हम लोग के बीच भाई बहन चाचा चाची आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप पायल पीस फाउंडेशन के प्रोग्राम में आप लोगों ने हिस्सा लिया। और जैसा कि 3 साल लगभग पायल पीस फाउंडेशन एनजीओ के बने हुए हुआ है, आपने देखा सबसे पहले 10 रुपए थाली से पायल पीस फाउंडेशन ने शुरुआत किया था स्टेशन रोड में। उसके बाद इसके बाद जमीन होने के कारण इसको ने मुझे नोटिस दिया, ये जमीन आप खाली करो। मैंने इसको स्टील प्लांट के उस टाइम जीएम, उस टाइम सीईओ सबको मैंने रिक्वेस्ट किया कि जिस वक्त आपको ये जगह लगेगा खाली करने का मैं कर दूंगा, लेकिन शायद कोई प्रॉब्लम होगा उन लोगों का, वो जमीन पायल पीस फाउंडेशन से ले लिया गया, इसीलिए 10 रुपए का थाली बंद हुआ। और इसका मुझे बहुत अफसोस रहेगा और हमेशा रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत लगन से वो स्टार्ट किया था और मैंने कहा भी था कि मेरे जीते जी वो बंद नहीं होगा, लेकिन मेरे जीते जी वो बंद नहीं होगा, लेकिन वो जमीन इसको का था। अगर मैं उस पर जबरदस्ती कुछ करना चाहता तो शायद मामला खराब होता, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन अगर पायल पीस फाउंडेशन हम भला करने के लिए उतरा है यहाँ पर, तो उसका एक सौ रास्ता है भला करने का। जैसे कि आपने देखा कोरोना के टाइम लॉकडाउन लगा, यहाँ के नीडी पीपल बहुत मजबूर रहे, हमेशा बहुत परेशानी से गुजरते रहे, लेकिन पायल पीस फाउंडेशन उस टाइम सब लोगों के साथ खड़ा रहा। और उसके जितने भी मेम्बर हर बनपुर, आसनसोल, कुल्टी, हीरापुर, ऐसा कोई जगह नहीं है जो कि पायल पीस फाउंडेशन का बैग वहाँ नहीं पहुँचा। और अगर
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पायल फिश फाउंडेशन का बैग थैला आप लोग वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा? बस अच्छा लगा, बस यही मैं चाहता हूँ कि मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि किसी का बुरा काम आए, खराब काम आए। मैं अल्लाह से भगवान से यही दुआ करता हूँ, कभी खराब काम आए, और अगर खराब काम आएगा तो पायल फिश फाउंडेशन हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने लॉकडाउन के बाद ऐसा दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, ईद हो, बकरीद हो, क्रिसमस हो, ऐसा कोई भी फेस्टिवल नहीं है कि जो जिनके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दान करना। ठंडे का टाइम से आज हम लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मुझे पता है कि हम लोग गरीब, मेरे पास पैसा है, हम लोगों का पैसा है जो घर पर आराम से रह जाए लेकर के सोते हैं, लेकिन एक निजी पीपल जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए कोई नहीं सोचता। जब तक पायल फिश फाउंडेशन रहेगा, जब तक हम रहेंगे, ऐसा कोई आपके लिए भूख से मर सकेगा, भूख से मरने नहीं देंगे, या किसी का लड़की का शादी नहीं होगा पायल फिश फाउंडेशन के रहते, शादी नहीं होगा दवाई के कारण किसी का जान चला जाए, आप लोग जब तक हम रहेंगे ऐसा कभी नहीं होगा। अगर किसी को होता है तो आप हमारे पास आइए, जो हो सकेगा हम आप लोग के लिए जरूर करेंगे। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि पायल फिश फाउंडेशन ने आज ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा है, और उनके मेंबर मैं दो दो चार पाँच रुपए दे दूंगा, बाकी आप अपने जगह पे बैठे रहिए। और हम लोग के मैनेजमेंट के आदमी सबको बारी बारी कर करके देंगे। आप ये बैग पे बोला जा रहा है, कभी भी किसी वक्त चीज का प्रॉब्लम होगा बेझिझक मेरे घर पे आइएगा, मेरे फेसबुक पे आप कमेंट्स करिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा जो हो सकेगा मैं आपको पूरा नहीं कर सकूंगा, लेकिन आपको निराश भी नहीं करूंगा, ये आपसे बड़ा वादा है। इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करना चाहूँगा। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्ड्रॉप के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली समीरन राय रोड गुरुद्वारा के करीब आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियत मौजूद है। आज ही बुक करें, हमारा पता है आजाद नगर स्माइल आसनसोल। कॉन्टेक्ट करें 9334098418 8768822128। रानीगंज के एमएलए रोनू दत्ता की कयादत में रानीगंज थाने में एक अर्जदास सौंपी गई। सीपीएम की जानिब से ये अर्जदास थाने के तवस्सुस से पश्चिम बर्धमान जिले के डीएम तक पहुंचाई गई। इस अर्जदास में जमुड़िया को महकमा बनाने और शिशु बगान मोड़ इलाके में सड़क की मरम्मत की मांग की गई। रोनू दत्ता, प्रमाणिक दिवेंदो, सुप्रियो रॉय और दूसरे कई मुहाजिर लीडर इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे। मूलत नागरिक परिसेवा थेके एससी एसटी सर्टिफिकेट, जे गरीब मानुषदेर घर, रेशन, डिजिटल रेशन कार्ड, रास्ताघाट, पानीय जल, এই ধরনের যে আছে সাফাই, এই ধরনের বিষয়গুলোকে যা কর্পোরেশন ভেঙে যাওয়ার পর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসলো এবং আমরা অবাক হয়ে দেখলাম তিনি রিজাইন করলেন, তিনি দল থেকে রিজাইন করলেন। এখন কে আছে মালিক, কে কে মালিক, কে চালাচ্ছে? আমরা অবিলম্বে হচ্ছে পৌর নির্বাচন চাই, এ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দিয়ে নয়। পৌর নির্বাচন কেন করছে না, কিসের ভয় পৌর নির্বাচন করার জন্য? আমরা বলছি অবিলম্বে পৌর নির্বাচন কর, মানুষের কাছে যাও, মানুষ কি রায় দেবে? বিধানসভার জন্য টাকা পাওয়ার কিছু নেই, বিধানসভা নির্দিষ্ট সময় হবে, পৌরসভা কেন হলো না? আমরা অবিলম্বে দাবি করছি পৌরসভাকে নির্বাচিত করতে হবে এবং পৌর छत्तीसवें यौमे तासीस पर आसनसोल के मुख्तलिफ इलाकों में तकारीब का इनेकाद किया गया, झंडे फहराए गए और केक काटकर खुशी मनाई गई। आज हमारे कांग्रेस पार्टी का
136वां फाउंडेशन के मौके पर आहन सोसाइटी में कांग्रेस पार्टी ऑफिस में आज ये ऐतिहासिक दिन को याद कर कर हम लोग आज पार्टी का परचम को बुलंद किया और अपने इलाके के तमाम कांग्रेसी को इकट्ठा कर कर हम आसनसोल शहर के इस ऑफिस से एक पैगाम देना चाहते हैं कि मुझे इस बात का फख्र है कि मैं कैसे ऐतिहासिक पार्टी का एक मेंबर के नाते से, एक वर्कर के नाते से आसनसोल के शहर में राजनीति कर रहा हूँ, जिनका बुनियाद 1885 में पड़ा था। ये उस वक्त ये मुल्क आज़ाद नहीं था, उस मुल्क में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद था कि इस मुल्क से अंग्रेज़ों को किस तरीके से इस मुल्क से भगाया जाए। वही नीति को लेकर इस कांग्रेस का संगठन बना था, जो 72 लोगों को लेकर बना था। आज पूरे देश के हर इलाके में कांग्रेस का एक एक वर्कर कहीं ना कहीं देश का हर गली कूचा में मिल सकता है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे हालात में जो कांग्रेस का मंगरी बंगाल में पिछले 34 साल से 45 साल से इसमें यहाँ पर हुकूमत नहीं, उसके बावजूद भी आज हम लोग कांग्रेस करते हैं, इसलिए कि हमें कांग्रेस के आइडियोलॉजी में विश्वास है। कांग्रेस का सोच आम आदमी की सोच, कांग्रेस का हाथ आम आदमी से गया। कांग्रेस का विचारधारा गरीबों का, मजदूरों का, नौजवानों का जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा है कि आम लोगों को सिर्फ मिलकर साथ लेकर चलने का। अगर कांग्रेस के अंदर में नफरत की अगर राजनीति होती, अरे भावना की भावना के साथ साथ अगर कांग्रेस के अंदर में धर्म आजादी की राजनीति होती तो कांग्रेस 2014 में यकीनन सरकार बना था, क्योंकि उन्होंने इतना काम यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में किया था। लेकिन हम लोगों ने मीडिया के जरिए या मैंने आपका सोशल मीडिया का मुताबिक हम लोगों को बताया नहीं, क्योंकि जानते थे कि देश की जनता हमारे काम को देखकर बहुत खुश होगी। लेकिन बड़े अफसोस है कि कुछ गलत फहमी में हम लोग मुबतला रह गए, जिसका कारण था कि हमारे देश के अंदर में बीजेपी की सरकार आई, और जब से ये सरकार आई है इस हिंदुस्तान के अंदर नफरत के बीज बो रही है। अगर वही पॉलिसी हमारा भी होता, किसी एक धर्म जाति के लेकर अगर राजनीति करते तो हम भी हिंदू करते और इस मुल्क में फिर हमारी हुकूमत होती। लेकिन कांग्रेस का सोच कभी भी देश में सत्ता को हासिल करना नहीं, बल्कि इस मुल्क के तमाम लोगों को इकट्ठा करके चलना है। इसलिए आज हम तमाम लोगों को इस बात का फख्र के साथ साथ हमें इस बात का इरादा भी करना है और ये शपथ भी लेना है कि बार बार जब हम शपथ लेते हैं उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं अपने कामों से पीछे आ जाते हैं। हम समझ लेते हैं कि आने वाला जो 2021 में जो मगरी बंगाल में चुनाव होने वाला है, यकीनन हम एक अच्छा रिजल्ट करेंगे। लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमारा संगठन कमजोर है, अगर यही बात है तो 2014 में 800 के शहर जमीन में बीजेपी का भी एक बूथ वर्कर भी नहीं था, उसके बावजूद बीजेपी ने इस शहर से लोकसभा जीता था। हमें यकीन है कि आसनसोल की जनता हमको ताक रही है और यकीनन आने वाला दिनों में 21 में हम यहाँ एक अच्छा रिजल्ट करेंगे। जनता हमको तलाश कर रही है, बस हमको अपने नेतृत्व को सही तरीके से हमको रोड पर उतर कर जनता का साथ देना है। जय हिंद, वंदे मातरम। कुल्टी असेंबली हलके के वार्ड नंबर 101 में भारतीय जनता मजदूर यूनियन की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया। मजदूरों के रोजगार, विधवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन समेत दूसरे पेंशन पर गुफ्तगू की गई। भारतीय जनता ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सुदास बावड़ी, यूनिट 1 के सदर शिवम शभू, यूनिट 2 के सदर दिलीप यादव और दूसरे कई अराकीन इस मौके पर मौजूद थे। नाज़रीन आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास के अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाए। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखे, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।